तो ये पैशन प्रो बाइक है और इस बाइक का जब हम इंडिकेटर जलाते हैं तो इंडिकेटर जलता नहीं है। जैसा कि हम स्विच को ऑन करते हैं और ये इंडिकेटर का यहाँ स्विच को जैसे ही हम इस तरीके से हम लेफ्ट राइट करेंगे तो यहाँ से इंडिकेटर शो नहीं करेगी। जैसा कि ये देख सकते हैं इंडिकेटर का सिंबल होता है, ये बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। यहाँ से स्विच ऑन है, बैटरी भी काम कर रहा है, तो इंडिकेटर के बटन को हम लेफ़्ट राइट करते हैं तो ये इंडिकेटर जलता नहीं है, ना इंडिकेटर जल रहा है ना यहाँ तक लाइट आ रही है। तो इसमें क्या कारण दोस्तों, क्या वजह है, चलो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इंडिकेटर का जो कनेक्शन होता है दोस्तों, एक फ्लाशर के जरिए से कनेक्शन होता है और वो फ्लाशर से ही इंडिकेटर जलता है और वो फ्लाशर मिलती है यहाँ पे राइट साइड में कवर बैटरी के पास। तो ये फ्लाशर देखिए दोस्तों यहाँ पे है, मैं सीधा आपको बता दूँ कि यह फ्लाशर है और इसी फ्लाशर के जरिए से इंडिकेटर जलता है। और हमारे पास ये फ्लाशर है अभी, ये देखिए ये फ्लाशर है और इसी को हम लगाने वाले हैं, लगा के देखते हैं कि ये फ्लाशर का प्रॉब्लम है या नहीं है या कुछ और है। ये बिल्कुल आप देख पाएंगे, इससे पहले कि आपको ये खोल लेना है, ये रेगुलेटर है 10 नंबर की टी से, ये खुलेगी और फिर ये फ्लाशर हम बाहर की ओर निकालेंगे। तो इसका काम है दोस्तों आपस में मिलाना, यानी कि बैटरी की जो लाइट होती है वो आपस में मिलाता है, वायर को कनेक्ट करता है ये फ्लाशर। तो इसको हम चेंज करके देखते हैं, ये फ्लाशर हमारे पास लगा। तो देखिए जैसे मैंने इस फ्लाशर को लगाया तो यहाँ पे लाइट भी जल गई इंडिकेटर का, और इंडिकेटर भी काम कर रहा है, ये देखिए। लेकिन अभी ये जो डायरेक्ट लाइट दे रहा है, ये दोनों वायर आपस में जुड़ गया इसीलिए ये डायरेक्ट जल रही है। चलो उसके बाद में लगाना, भी इसे लगा के देखो, ये ब्लिंक नहीं कर रहा था, अब ये ब्लिंक करेगी, ये देखिए अब ये ब्लिंक करने लगा है। अब देखिए ये फ्लाशर अगर ख़राब हो जाती है तो ये वायर को कनेक्ट आपस में कनेक्ट नहीं करता, इसका सप्लाई इंडिकेटर तक नहीं दे सकती है ये फ्लाशर। तो अगर आपको जलाना है तो डायरेक्ट आप जला सकते हैं, जैसे कि अभी ये बिलिंग कर रही है, तो जैसे ये बिलिंग कर रही है तो एक तरफ से लाइट देता और छोड़ता है, देता और छोड़ता है। और अगर आपको ये फ्लाशर नहीं लगाना है तो आप डायरेक्ट इसे दोनों वायर को इसमें ज्वाइंट करके लगा सकते हैं, लेकिन ये बिलिंग नहीं करेगी, डायरेक्ट जलती रहेगी। तो ये काम नहीं करेगा, असल में ये काम करेगा, इस दोनों वायर को अगर हम आपस में जोड़ देंगे तो हमारी लाइट इंडिकेटर की जलती रहेगी लेकिन ब्लिंक नहीं करेगी। तो ये जो दिया जाता है ये खास करके ब्लिंक के लिए ही दिया जाता है कि लाइट जले और बंद हुए, इसीलिए ये दिया जाता है। और साथ में हम ये बजर भी लगा देंगे। अब अगर आपको बजर लगाना है तो ब्लैक वाले वायर को आपको इधर देना है, इस साइड में देना है, और रेड वाले को इस साइड में देना है।